इनके फंक्शन ER. uh, ER क्या होते हैं एम कैट में किस तरह से ये एम uh, में आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले एंडो प्लाजमिक कर्टिकुलम होते हैं इट इज़ अटवर्क ऑफ चैनल्स ये सेल के अंदर डिफरेंट पाथवेज का एक नेटवर्क है जिसने ट्रांसपोर्टेशन करना इसका बेसिकली मेन जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करना होता है इस सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे के पूरे सेल में फैले होते हैं इनकी इस करेक्टर की वजह से इनके इस फीचर की वजह से इनका एक एमसीक्यूज बनता है दे प्रोवाइड मकैनिकल सपोर्ट टू द सेल एक सेल को अंदर से मकैनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए हैं इनकी जो अपेयरेंस है वो वेरी कर सकती है अमंग डिफरेंट सेल्स लेकिन इनके अंदर ऐसा होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है इस सिंगल मेम्ब्रेन ने ट्यूब लाइक पेरेंस जो बनाई होती है इसे हम लोग सिस्टर्नी का नाम देते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवरऑल हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ नेटवर्क है चैनल्स का रास्तों का जो कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं दो टाइप्स होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप इसकी अपेयरेंस को देखते हैं तो दैट बिकम्स क्लियर कि इसका ये नाम क्यों है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो कि उसकी अपेयरेंस को थोड़ा सा रफ दिखाते हैं दैट इज ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो नहीं होते तो ये स्मूथ दिखता है इस वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स है राइबोसोम्स का

एक तो ये लिवर के अंदर जो जो कभी भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आता है कोई पॉइजनस मटेरियल आता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं दूसरा इसने लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करनी होती है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके बारे में ये वाला है एम मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि वो कौन सा ऑर्गेनली है जो कि लिपिड मैन्युफैक्चरिंग करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है कुछ सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर इसने ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में भी हेल्प करनी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का फंक्शन जो है वो भी परफॉर्म करता है तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करनी है इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है इसने लिपिड मेटाबॉलिज्म करना है इसने कैल्शियम आइंस को स्टोर करना है इसने नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करना है बाकी इन दोनों का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्टेशन uh, में हेल्प करना ताकि सेल uh, के अंदर मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके अगर इनके एम सी क्यूज की बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोट्स तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम

तो ये वाली एक ऑप्शन आती है हमारे पास कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर अबंडेंट देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन टिश्यूज ये चीज बच्चों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पहले एडिपोस टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जहाँ पे लिपिड स्टोर होता है हमारे बैली के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जहां पे लिपिड अक्यूमुलेट होता है फैट अक्यूमुलेट होता है वो एडिपोस टिश्यू बनाता है

Which of the following organelle is associated with the single membrane? तो हम लोगों ने ये वाली बात पहले ही कर ली है कि जो endoplasmic reticulum होते हैं वो single membrane bound organelles होते हैं। Nucleus, mitochondria, chloroplast इन सभी में double membrane होती है, दो membranes होती हैं। Endoplasmic reticulum में single membrane होती है। Which of the following cell structures uh, is involved in the synthesis of lipid? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको different way में देखा था। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या उसने लिपिड मेटाबॉलिज्म करना है बिल्कुल करना है क्या उसने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करना है बिल्कुल करेगा क्या उसने ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स करना है वो भी करेगा क्या उसने प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स करनी है वो तो गोल्जी ऑपरेटर्स का काम है तो ये वाला काम इसने नहीं करना है